पिताजी। जी संगठन को आप ही चला रहे हैं, इसलिए ठेकेदार मत बनिए, ठेकेदार मत बनिए कि कौन कहां जाता है कौन कहां नहीं जाता है। अर्पिता जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया, इन्हें याद दिलाइए 1931 का कराची में कांग्रेस अधिवेशन, महात्मा गांधी जी और नेहरू ने रेजोल्यूशन पास किया था कि महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए, और पूरे विश्व में पहला वो रेजोल्यूशन था। और 1952 में जब हम संविधान बनाने आए, हमने महिलाओं को वोट का अधिकार दिया। इन्हें कहिएगा 1993 में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, नियत थी, आज पंचायती राज में आधी आबादी को हक दिया, 15 लाख महिलाएं पंच सरपंच नगर निगमों में चुनी हुई है और उसका भागीदारी 40% है। कौन लेकर आया था सबसे पहले महिला आरक्षण की सोच, किसकी थी? संघ आरएसएस की नहीं थी, राजीव गांधी जी की थी, 1989 में लेकर आए राज्यसभा। इसीलिए तो सवाल उठेगा कि उनकी सोच जिसकी जिक्र आप कर रही हैं कि ये सोच उनकी थी, सोनिया गांधी ने भी कहा सदन के पटल से कि उनकी सोच थी, लेकिन बात अभी जैसे संगीत त्यागी पूछ रहे हैं कि राजीव गांधी की ये भी तो सोच थी कि जाति जनगणना पर चर्चा, जाति गणना ना हो, देश को पीछे ले जाएगा, लेकिन राहुल गांधी आज उस सोच से इतर जाति जनगणना की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? मैं बताती हूं, उसका जवाब राहुल गांधी जी ने दिया है, संसद में खड़े होकर दिया कि 90 भारत सरकार में जो सचिव है 90, उसमें से मात्र 3 ओबीसी है। ये भेदभाव कर कौन रहा है? दलित ओबीसी आदिवासियों का अधिकार का हनन पिछले 10 सालों से केंद्र में बैठी भाजपा आरएसएस की सोच से कर रही है हमले। इसलिए हमें महसूस होता है कि जो 2011 में जातीय जनगणना कांग्रेस ने कराई थी उसको सार्वजनिक किया जाए, उसे आधार बनाकर महिला आरक्षण में इसे जो है उसको आड़ा ना लगाया जाए। जो राजस्थान और कर्नाटक में ये हुआ जाति जनगणना, आप, हाँ सर मैं आ रही हूँ, उसपे उसको क्या सार्वजनिक करेगी कि कांग्रेस पार्टी? आप सार्वजनिक करने की बात कर रही हैं तो पहला फिर कह रहे हैं बिहार हो, कर्नाटक हो, राजस्थान हो, आप राज्यों की बात करोगे तो 30 पे चर्चा करेंगे और कहीं ना कहीं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट शामिल था। लेकिन जो हमारे देश का जनगणना है 2011 में और 22 में हुई है, जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा रहा, आधार नहीं बनाया जा रहा, इस पे कोई किसी तरह की रोक नहीं है। इसकी मंशा और नियत सिर्फ भाजपा आरएसएस की है, उसे पता है उसी का जो इसमें भागीदारी है वो 50% है, जिसे 5% इन्होंने सीट रखा है, जिससे इनकी नेता उमा भारती पूर्व मुख्यमंत्री आगे बढ़कर हमसे भी आगे बढ़कर उठा रही है, और भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस तो चलिए राजनीति कर रही है, उमा भारती देखिए, पहले बिहार में बिंदेश्वरी दुबे की सरकार थी, जब वो बिंदेश्वरी दुबे मुख्यमंत्री थे तब भी इस प्रकार के आरक्षण की बात आई थी पंचायत के अंदर, कांग्रेस पार्टी इसके विरोध में खड़ी हो गई थी। कांग्रेस पार्टी का पूरा अपर कास्ट कुनबा जो था, और उस समय की तमाम पार्टियां, अपर कास्ट पार्टियां जो थी, इसके खिलाफ में थी। एक बात और जानना चाहिए, देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये महत्वपूर्ण है कि आप राहुल गांधी के पास 2011 में सेंसस आ चुका था, 3 साल कांग्रेस के पास सरकार वक्त था, आपने क्यों नहीं किया? आपने जानबूझ करके इसलिए नहीं किया था, और ये मैं उसका समर्थन करता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, वो बहुत अच्छा किया, देश के लिए शुभ है, क्योंकि कोई भी राष्ट्रीय पार्टी ये जोखिम नहीं ले सकती है। चूंकि कांग्रेस पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर आकर के खड़ी हो गई है, उसको लगता है कि देखिए हम कहीं ना कहीं से ये जो जातीय राजनीति बढ़ेगी तो उससे भारतीय जनता पार्टी के शायद वोट का जो पॉलिटिक्स है उसमें डेंट पड़ेगा, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को डेंट पड़ेगा। तो ये बड़ा विमर्श है, ये मंडल कमीशन के समय भी यही था, आज भी वही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी नैरेटिव को सेट करना चाहेगी, कांग्रेस उसी कैम्ब्रिज एनालिटिका के मुद्दे पर आगे बढ़ना चाह रही है, वो चाह रही है कि 2024 से पहले इस प्रकार का जातीय संघर्ष या जातीय विभाजन हो समाज के अंदर, ताकि जो उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर जो है उनकी नैरेटिव ठीक काम कर सके। महिला आरक्षण को अलग रखिए, हम महिला आरक्षण से जाति जनगणना को हटाने को कह रहे हैं, परिसीमन को हटाने को कह रहे हैं, ओबीसी का हक देकर इसे लागू करने को कह रहे हैं। आप तो 29 में लागू करने को कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 24 में लागू करिए। हम नहीं कह रहे जाति जनगणना पार्टी जीत जाए ना 2024 में चुनाव और लागू कर दे, आपकी नियत कि ना जाति जनगणना होगी ना महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। जाति जनगणना अपनी जगह है, अलग मुद्दा है। अलका जी एक छोटा सा सवाल, अलका जी एक छोटा सा सवाल, कांग्रेस पार्टी क्या मान ली है कि वो 2024 में जीतने नहीं जा रही? आप 2024 में जीत जाइए और इस पूरी व्यवस्था को बदल दीजिए। जीत रहे हैं महिला सुरक्षा, महंगाई के मुद्दे पर जीत रहे हैं। अशोक गहलोत सरकार इकलौती सरकार है जो 500 रुपए में एलपीजी गैस का सिलेंडर देती है, तो केंद्र की भाजपा सरकार को मजबूर में हार को देखते हुए 200 रुपए कम करना पड़ता है।
शौचालयों की बात करते हैं लेकिन सुरक्षा की बात नहीं करते, बेटियों की न्याय की बात नहीं करते हैं। राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, लगातार 9 साल से महिला आरक्षण बिल को टेबल करने की बात सिर्फ कांग्रेस ने की है 10 सालों में। हजारों सबूत है, गूगल करिए, किसी ने बात नहीं की इन 9.5 सालों में महिला आरक्षण पे। तो स्मृति ईरानी भाजपा की किसी अलका लांबा जी, मुझे ये बताइए ना, एक सेकेंड, मेरा एक सवाल है अलका जी। अगर मैं सो जाऊं और मैं एक सपना देख लूं, और सपना जो मैंने देखा, जो भी देश की तरक्की के लिए मैंने देखा कि चलिए एक फ्लाईओवर बनना चाहिए और अगले दिन सरकार उसको फ्लाईओवर बना दे, तो उसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए कि सरकार को मिलना चाहिए? पिता जी, हमने 1993 में वो फ्लाईओवर बनाया, 14 लाख महिलाएं चल रही हैं पंचायत नगर निगमों में। इनका महिला आरक्षण बिल पर आप ले रही है ना श्रेय, मैं उस पर पूछ रही हूँ, लोकसभा में क्यों नहीं ले आई, गिरने देती सरकार? अरे क्यों नहीं ले आई? अभी आप बार बार श्रेय ले रही हैं, तो ये जिसने सपना देखा उसका श्रेय है या जिसने बनवाया उसका श्रेय है? मेरा श्रेय होना चाहिए कि मैंने देख लिया फ्लाईओवर बनना है, ये मेरा श्रेय होगा, मुझे श्रेय दिया जाएगा? अर्पिता जी, श्रेय की नहीं संकल्प की बात है, और फ्लाईओवर कागजों पर संकल्प पूरा करना होता है ना मैम, संकल्प की भी बात अगर है तो संकल्प पूरा करेंगे ना, या मैं संकल्प ले लूं कि मैं फ्लाईओवर बनाऊंगी और मैं बना ही नहीं पाई, जिसने बनाया फिर भी क्या संकल्प लेने के बाद श्रेय मेरा हो गया? नहीं नहीं, आप बारी बारी भूल कैसे रही है, 1993 में 15 लाख महिलाएं सिर्फ कांग्रेस की वजह से, सोच की वजह से संसद में ना कि अरे महिला आरक्षण बिल पर बात हो रही है मैम, आप फिर उसको डाइवर्ट कर दे रही हैं। चलिए राखी जी, आपका एक रिएक्शन ले लेती हूँ, ठीक है मैम, आप डाइवर्ट कर दे रही है मुद्दा, जिस पर पूछ रही हूँ उस पर नहीं बोल रही, आप बदल दे रही है। मैं आप आरक्षण बिल पर कह रही थी, आरक्षण बिल को लेके मेरा सवाल था, आप बार बार दूसरी चीजों पे चली जा रही हैं। बात ऐसी नहीं ना मैम, कानपुर के बारे में बात करो तो कानपुर चलिए, इलाहाबाद मत पहुंच जाइए। हाँ राखी जी, समझ नहीं आया आपके दर्शकों को, समझ आ गया होगा क्योंकि मेरी भी बात सुनी है। अलका जी ने बहुत सारी बातें की लेकिन अल्टीमेटली जो कांग्रेस पार्टी है उसका दोहरा चरित्र सामने आ गया है। जिस तरह से संगीत रागी जी ने भी कहा कि मंडल कमीशन हो या काका कालेलकर की रिपोर्ट हो, उसमें क्या इनका एटीट्यूड था और आज क्या है वो सबके सामने नजर आता है। आज ये बात कर रही थी राजस्थान की भी, तो राजस्थान के अंदर सिलेंडर्स की अगर बात करूं अर्पिता जी, तो अभी 3 महीने पहले इन्होंने जो चालू किया है वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी इनका हथकंडा है। ये वही मुख्यमंत्री है जो 2003 के बाद 3 में जब चुनाव में जाते हैं तो 56 सीटों पे, और 2013 में जब जाते हैं तो 21 सीटों पे कांग्रेस को लेके आते हैं। उस समय भी बहुत सारी हवाई हमारी योजनाएं थी लेकिन ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं हुई, इसलिए राजस्थान में देखिए मैम कोई स्कोप नहीं है आप लोगों का। जहां तक अभिषेक जी की बात है, अभिषेक जी ने एक बात कही कि मौका मिले तो काम करना चाहिए, बिल्कुल बात से सहमत हूं, मौका मिले तो काम करना चाहिए, लेकिन 70 साल कांग्रेस के पास मौका था। शाह भवनों का अगर अधिकार किसी ने छीना है तो वो कांग्रेस पार्टी ने छीना है। नीतीश जी कांग्रेस पार्टी के सरकार में थे, नीतीश जी उस समय सेंटर में पार्टी में थे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया अर्पिता। लेकिन देखिए 70 सालों में जब ये कहते हैं कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया और आज आकर के जब इस तरह से जब काम करते हुए बोलिए, और राखी जी मेरा सवाल है 70 साल पुराने नहीं जाते हैं, जरा 3-4 दिन पहले चले जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संसद की शुरुआत हुई थी मैम, तो उन्होंने कहा था पहले ही दिन कि भवन बदला है भाव बदलना चाहिए, लेकिन विदुड़ी साहब जिस तरीके का बयान दे रहे हैं कहां का भाव बदला? देखिए अर्पिता जी, जिस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने दिया उसके बाद आपने पार्टी का एक्शन भी देखा, हम भारतीय जनता पार्टी इस तरह के स्टेटमेंट के, इस तरह की भाषाओं का समर्थन नहीं करते। एक्शन क्या था, मैंने मैम मुझे जरा बता दीजिए एक्शन क्या था। जवाब देने की बात करी सदन के उपनेता, मैम आप रुकिए एक मिनट, सरकार ने देखिए जो ओम बिरला जी हैं, जो अपने स्पीकर हैं, उन्होंने भी इस बात का संज्ञान लिया, जो सदन के उपनेता है राजनाथ सिंह जी ने भी इस बात के लिए खेद प्रकट किया। लेकिन आप देखिए कि लगातार जो विपक्ष, जो हमारा जो डॉटेड अलायंस है, उसके अंदर किस तरह के स्टेटमेंट्स प्रधानमंत्री जी के लिए कहा जाता है। हरियाणा के जो नेता है कांग्रेस के, उन्होंने क्या क्या नहीं बोला, लेकिन क्या एक्शन है कि इमरान टाइप जो लोग हैं जो लगातार मोटी मोटी की बात करते हैं उनको प्रमोट करने की बात की जाती है, राष्ट्रीय सचिव बनाया जाता है, लोकसभा के अंदर एक्शन हुआ, टिकट दिया जाता है, खेद जता देना, निंदा कर देना, ये एक्शन में काउंट होता है? होगा किन, आपने कहा एक्शन हुआ, देखिए मैं समझना चाह रही हूँ क्या एक्शन हुआ, मैं कहा खेद जताना क्या एक्शन काउंट होता है, खेद जता दिया जाए तो एक्शन मानू मैं? अर्पिता जी किन परिस्थितियों में ये एक्ट, देखिए किन परिस्थितियों में हुआ इसका कारण बताओ, नोटिस पहुंचा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, 10 दिन में उनको जवाब देना पड़ेगा उन्होंने ऐसा क्यों बोला। हाँ। लेकिन इस बात को भी देखने की जरूरत है कि दानिश जी किस तरह की भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री जी के लिए लगातार करते हैं। मैं इस बात को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ कि ऐसी भाषा चल रही होनी चाहिए, लेकिन
आप देखिए डॉटेड अलायंस जब लगातार प्रधानमंत्री जी के माता पिता के बारे में भी बताइए, क्योंकि ये भी से लेके प्राइम ये भी कहा जा रहा है, ठीक है, रवि किशन जी भी कह रहे थे कि भड़काने की कोशिश हो रही थी, एक मिनट, रवि किशन जी भी कह रहे थे भड़काने की कोशिश हुई, उनको भड़काया गया इसलिए ऐसे शब्द निकले, कल को भड़का दिया जाएगा तो क्या कत्ल कर देंगे, खून कर देंगे किसी का? देखिए मैं फिर अल्पिता जी इसी बात को कहूंगी कि इन शब्दों का समर्थन कोई नहीं करता, ना कोई कर सकता है। जरूरी है ये बात कि जो पार्टी है संज्ञान ले, पार्टी ने संज्ञान लिया है, इनकी तरह नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ छोड़ दिया, उल्टा प्रमोट किया। इमरान मसूद का मैंने एग्जांपल बताया, उनको लोकसभा के अंदर टिकट दी गई, उनको राष्ट्रीय सचिव बनाया, उनको प्रमोट किया गया, यानी मोदी जी के खिलाफ जो जितना बोलेगा उसको उतने ज्यादा प्रमोट किया जाएगा, ये डॉटेड अलायंस का एजेंडा है। और इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए ये एजेंडा आपके सामने, आज महिलाओं को हक मिला है, अभी अलका लामा जी कह रही थी 2029 में एप्लीकेबल होगा, मैं कहना चाहूंगी आपसे अर्पिता जी वो आज से एप्लीकेबल है। मैं पूछना चाहती हूं कौन सी पार्टी है ऐसी कि जो सोच नहीं रही कि महिलाएं अब आगे आएंगी। 2024 के इलेक्शन में भी हर पार्टी को सोचने को मजबूर किया है महिलाओं ने, हमारे देश की महिलाओं ने इस बात के लिए उनको मजबूर किया है कि सोचना पड़ेगा। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी संसद से बाहर आकर के अपोज कर रही है इस पूरे बिल को, संसद में हिम्मत नहीं हुई, हिम्मत इसलिए नहीं हुई क्योंकि महिला सवाल ये भी पूछ रही है, अगर आप सारे सवाल का जवाब दे रही है राखी जी तो ये भी सवाल पूछ रही है कि 2014 से जब क्योंकि इतना समय लगना था, तो ये तो पहले इतना समय अगर लगना था, आपने पहले इस बात का 2014 में जिक्र था तो उसे पहले क्यों नहीं लाया? जब राहुल गांधी चिट्ठी लिखते हैं, वो जो कांग्रेस पार्टी कह रही है, राहुल गांधी चिट्ठी लिखते हैं, सोनिया गांधी चिट्ठी लिखती हैं कि महिला आरक्षण बिल लाइए, एक प्रेशर उन्होंने क्रिएट किया, सोच उनकी थी, प्रेशर उनका था, इसलिए फैसला आपका है, मजबूरी में लाना पड़ा इसीलिए आधा अधूरा लाए हैं। बात सही है, 2014 के हमारे मैनिफेस्टो में था, लेकिन मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगी कि किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले उसका बेस बनाना जरूरी है। आज एक पौधा भी हम लगाते हैं तो पहले मिट्टी की खुदाई, उसमें खाद डाल करके उसको तैयार किया जाता है, तो उसका पनपना ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है। जैसे अब खाद पड़ेगा, अब पानी पड़ेगी, 2029 तक पड़ जाए तो क्या बोलिएगा फिर? दो मिनट अर्पिता जी, दो मिनट उदाहरण ये है, देखिए यूपी में आपने 40% आरक्षण दिया, महिलाओं को आगे लेके गए, उनकी जमानत जब्त हो गई, मुझे बताइए उनका आत्मविश्वास बढ़ा या कम हुआ? आज हमारे देश के अंदर महिला संबंधित जो बजट है उसको 130% बढ़ाने का काम मोदी सरकार ने 14 से लेकर के 19 के बीच में किया। आज 51 करोड़ अगर जनधन खाते खुलते हैं तो 27 करोड़ महिलाओं के नाम पर होते हैं। आज 4.25 करोड़ अगर मकान बनते हैं तो 3.25 करोड़ महिलाओं के साथ होंगे। अगर 50 करोड़ लोगों ने आयुष्मान भारत के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ लिया तो उसमें 10 करोड़ महिलाएं हैं जिन्होंने ब्रेस्ट कैंसर से लेकर के सर्वाइकल तक का लाभ लिया है। आज सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से 3 करोड़ से ऊपर जो है अकाउंट खोले गए। आज 13 करोड़ घरों के अंदर जल से नल की व्यवस्था की गई है। 12 करोड़ से ऊपर टॉयलेट्स बनाए गए। 9.5 करोड़ से ऊपर उज्ज्वला योजना के माध्यम से कनेक्शंस दिए। सैनिक स्कूल में बच्चियों को एडमिशन मिल रहा है। आर्मी के अंदर परमानेंट कमीशन मिला है। तो मेरा कहने का मतलब है इस तरह से बेस बना करके महिलाओं को सोशली और इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग बनाने की आवश्यकता है कि आगे आने वाले 2029 में परिपता जी मैं फिर कहूंगी अभी इन्हीं इलेक्शंस में सभी पार्टियों को सोचना पड़ेगा कि महिलाओं को देना पड़ेगा टिकट हमें और महिलाओं को राजनीतिक क्योंकि देखिए महिलाओं पर दर्जा केंद्रित भी क्यों है। 2014 से अगर 2019 में देख लें जो 10% ज्यादा महिलाओं ने वोटिंग किया और इसीलिए सबकी नजर भी सीधे तौर पर इन्हीं महिला वोटरों पर भी दिख रही है और ये साफ झलक भी रही है।